दोस्तों, अगर आप भी दिनेश कार्तिक को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की लगातार दो हार के बाद एशिया कप से बाहर होने के साथ ही दिनेश कार्तिक को टीम में ना रखने पर भारतीय दिग्गजों का आया ऐसा बयान जिसमें भारतीय क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। और आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने दिनेश कार्तिक को ना खिलाने पर क्या बयान जारी किया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम का इस एशिया कप में काफी ज्यादा बेकार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां भारतीय टीम पहले दूसरे राउंड में पाकिस्तान के सामने हार गई और जिसका फर्क भारतीय टीम पर ना के बराबर पड़ा। लेकिन उसके बाद जब श्रीलंका से भारत को हार का सामना करना पड़ा तो भारतीय टीम का सपना ही टूट गया। और ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ हार के सबसे बड़े जिम्मेदार ऋषभ पंत माने गए, जहां ऋषभ पंत को टीम में खिलाने के बाद ऋषभ पंत ने कई गलतियां करी और जिसके कारण भारत को हार का सामना करना पड़ा और टीम में दिनेश कार्तिक को ना खिलाने पर सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। तो वहीं आलोचकों ने भारतीय टीम के कोच और कप्तान को घेर लिया और इसी सिलसिले में दिनेश कार्तिक को टीम में ना खिलाने पर भारतीय दिग्गजों का सनसनीखेज बयान सामने आया, जिसमें कपिल देव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में जब ऋषभ पंत को खेलने का मौका मिला तो मुझे काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा कि हर खिलाड़ी को मौका दिया जाना चाहिए, परंतु जब श्रीलंका के खिलाफ भी ऋषभ पंत को खेलने का मौका मिला तो उनके कारण ही भारत को हार का सामना करना पड़ा, तो मुझे मजबूरन बयान देने से कोई रोक नहीं पाया। और मैं इस बार बयान देते हुए कहना चाहता हूं कि भारत की टीम में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अगर भारत की टीम के कोच और कप्तान को इसी तरीके से बेहद ही बेहुदा बदलाव करने हैं तो आप वर्ल्ड चैंपियन बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। ऐसे में भारत को टीम कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना होगा। तो वहीं सुनील गावस्कर ने कहा कि ऋषभ पंत वैसे तो शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस तरह दिनेश कार्तिक को ना लगाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी को अपनी तरफ प्रभावित किया है और वापसी करते हुए पूरी दुनिया को दिखाया है कि एज इज जस्ट अ नंबर, इसके बावजूद भारतीय टीम में उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है और ये किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत लगातार बेकार दौर से गुजर रहे हैं परंतु दिनेश कार्तिक सभी को प्रभावित कर रहे हैं और इसके बावजूद टीम में उनकी जगह ना बनना किसी सदमे से कम नहीं है। ऐसे में भारतीय टीम को इस बारे में सोचना चाहिए और ऋषभ पंत के कारण भारतीय टीम पिछले मुकाबले को हारी है और ऐसे में टीम को इस बारे में चर्चा कर गंभीरता से सोचना चाहिए। और इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि ऋषभ पंत ने इस एशिया कप में सभी को निराश किया है, लेकिन ऋषभ पंत को टीम में पता नहीं क्यों खिलाया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको दीपक हुड्डा को टीम में ऑलराउंडर के रूप में खिलाना है तो आप उन्हें नीचे बल्लेबाजी करने भेज रहे हैं। वो सभी को ठीक लगा परंतु आप उनसे एक भी ओवर नहीं करा रहे, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और अच्छा रहता कि आप दीपक हुड्डा की जगह दिनेश कार्तिक को टीम में खिला लेते, क्योंकि आपको गेंदबाजी ही तो जब दीपक हुड्डा से करानी ही नहीं है तो दीपक हुड्डा से बेहतर ऑप्शन के रूप में दिनेश कार्तिक हैं, जो गेम के अंतिम समय में गेम को बदल कर रखने के दम रखते हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट का ये फैसला काफी ज्यादा गलत लगा और इस बारे में टीम मैनेजमेंट को गंभीरता से सोचना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दिनेश कार्तिक को टीम में शामिल करना चाहिए था या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।